हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक स्टडी। एंड आज हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स क्या है और उन्हें हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सब आप जानेंगे द पावर ऑफ हैबिट्स बुक से। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आप जानेंगे कि हैबिट्स है क्या और ये काम कैसे करती हैं। तो इनके बारे में ये आपको बताएंगे कैसे किसी की लाइफ में हैबिट्स इम्प्रूव होती हैं। हैबिट्स के बिल न्यूरोलॉजी के बारे में बताया गया है कि हैबिट्स के निर्माण जो तंत्र तंत्रिका होती है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हम पुरानी हैबिट्स को चेंज करके न्यू हैबिट्स ला सकते हैं। आप डेली देखते होंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं या फिर नहाने जाते हैं या फिर नहा के टूथपेस्ट करते हैं या तो फिर किचन में जाके सीधे कुछ बना के खाने लगते हैं या फिर जॉगिंग में जाते हैं। अगर जॉगिंग में जाते हैं तो आप शूज कौन से पैर पहले पहनते हैं, लेफ्ट में या राइट में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब करने के लिए इसमें इस बुक में यही बताया गया है कि ये डेली एवरीडे जो हमारी आदत है डेली काम करने की, वो उसके बारे में ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता क्योंकि ये फिक्स्ड है। एवरीडे जो हम करते हैं कि हमें पता है। बाय द वे, अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी मेमोरी भी लॉस हो जाए ना तो हम ये नहीं भूल सकते जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया। टूथपेस्ट करना है वो कर लेंगे, मेमोरी लॉस हो गई है लेकिन ये मालूम है कि दांत साफ करने हैं, ये भी मालूम है कि नहाना है। तो ये कई चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट्स बन गई है जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। तो उन हैबिट्स को कैसे हम न्यू हैबिट्स को अपने अंदर इंक्रीज करके इम्प्रूव करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये आप इस बुक से सीखेंगे। इस वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, आप इसे ज़रूर पढ़िए और आज मैं इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। विलियम जेम्स 1892 में लिखते हैं कि हमारी होल लाइफ ओनली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीज़ें सोच समझ कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सारी हमारे हैबिट्स का एक पार्ट होता है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम डेली के हैबिट्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो हमें आदत होती है, उसमें हमें बिल्कुल कुछ सोचना नहीं पड़ता। हम क्या खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या हम शराब पीते हैं, हम पैसा कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, ये सब करने के लिए हमें बिल्कुल कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये आदत होती है हमारी, पार्ट होता है हमारे एक लाइफ का। हम डेली हम इसे कर रहे होते हैं, डेली हम खर्च भी कर रहे होते हैं, डेली हम बचा भी रहे होते हैं। तो ये सब उसमें ये बताया गया है कि हमारे थॉट्स से जॉइंट जो फिक्स्ड हैबिट्स हैं उन्हें इम्प्रूव कैसे करना है ये इस बुक में बताया गया है। स्टार्टिंग में हमें सारी चीज़ें बहुत छोटी समझ में आती हैं लेकिन समय के साथ साथ ये हमारे हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट डाल रही होती है। 2006 के ड्यूक की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, पब्लिक रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारे पूरे दिन में जो भी हम काम करते हैं उसका 40% ओनली हैबिट्स का पार्ट होता है। हम हैबिट्स के अकॉर्डिंग ओनली 40% काम करते हैं जो भी हम दिन में करते हैं। इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके फर्स्ट पार्ट में आप जानेंगे कि कैसे हम ओल्ड हैबिट्स को न्यू हैबिट्स में कन्वर्ट करके, यानी जितने भी हमारी पुरानी आते हैं उन्हें अगर हम चेंज करते तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे कोई इंसान अपनी पुरानी हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर लेता है, इसमें आप जानेंगे। इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आप जानेंगे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट एरिया में एक्टिव पर्सन टूथपेस्ट को सेल करने के लिए आदतों का इस्तेमाल करके कैसे दांतों की सफाई को नेशनल पैशन में चेंज कर देता है, यानी राष्ट्रीय जुनून बना देता है दांतों की सफाई को। इसी पार्ट में आपको पता चलेगा कैसे गैम्बल कंपनी कस्टमर की आदतों का इस्तेमाल करके ओनली एक फेब्रिज नाम के स्प्रे से ही करोड़ों डॉलर कमा लेती है। इसी में आप जानेंगे कि कैसे अल्कोहल एनॉनमस व्यसन ने उन लती लोगों को जिन्हें शराब की लत थी उनकी आदतों में चेंज ला के कैसे उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। सेकेंड पार्ट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसफुल कंपनियों के हैबिट्स के बारे में बताया गया है।
कि एक इंसान ने कैसे ऑर्गेनाइजेशन की मेन हैबिट्स पर कॉन्सेंट्रेट करके एल्युमिनियम कंपनी जो लॉस में जा रही थी उसका पुनर्निर्माण करके कैसे इंडस्ट्रियल एवरेज की लिस्ट में उसे सबसे हाई लेवल पर पहुंचा देता है। इसी पार्ट में आप सीखेंगे कि हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुका एक पर्सन जिसे स्टारबक्स ने सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करने की हैबिट सिखाकर उसे एक बेटर मैनेजर बना देते हैं। इसी पार्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे एक ग्रेट डॉक्टर ग्रेट सर्जन अपने पेशेंट्स यानी मरीजों की ऑपरेशन में गलतियाँ कर सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स ख़राब हों तो। एंड थर्ड पार्ट सोशल हैबिट्स पे बेस्ड है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक यूथ पादरी सिविल मोमेंट्स प्रोसेस का यूज करके सैंडलबैग घाटी में देश का सबसे बड़ा चर्च बना देते हैं अमेरिका में। तो ये सारी हैबिट्स से रिलेटेड पार्ट हैं जो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक हैबिट्स से रिलेटेड। अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इस बुक में आपको बहुत अच्छे फॉर्मूले मिल सकते हैं अगर आप इसे पढ़ें तो। इस बुक के सारे लेसन हैबिट्स से ही रिलेटेड है। अगर हम जान लें कि हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, हैबिट्स है क्या, तो हम इन्हें बहुत ही आसानी से इन्हें समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। एंड ये बुक 100 एकेडमिक स्टडीज़ एंड 300 साइंटिस्ट एंड ऑफिसर्स के इंटरव्यू एंड कई कंपनियों के रिसर्च पे बेस्ड है। इस बुक को खरीदिए एंड पढ़िए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। एंड आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ये भी आप हमें बताइए। एंड मिलते हैं एक नॉलेजबल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। नमस्ते।